देखिए, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स की पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फर्स्ट को। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जहाँ पर ये कहा गया है कि इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी कब आती है, जब एक पर्सन के पास वो रिसोर्सेज और वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना हो जो कि एक दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल हों। ठीक, उस केस में आपके पास क्या होता है, इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टीफन थॉमस ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। क्रिश्चियनिटी इंडिया में किसने लाई थी, वो स्टीफन थॉमस ने। नेक्स्ट है, इंडियन फ्लैग वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। जो इंडियन फ्लैग था उसको एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज किया जाता था अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय इंडियन एवरीवेयर। ठीक है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये फ्रेज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार यूज़ किया था। नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो नेशनल एंथम था इसको किसने लिखा था, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, एट मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। आठ बड़े रिलीजन्स अगर वर्ल्ड में बात करेंगे उनकी, तो हर एक इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ईच वन ऑफ दम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। नेक्स्ट है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। 1600 से ज़ायद, मतलब 1600 से ज़्यादा जो पीपल्स मदर टंग है वो इंडिया में बोली जाती हैं। मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ डेफिनेशन हैं, एक प्रिजुडाइज और एक स्टीरियोटाइप हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देखना आप लेंगे, ये ज़रूरी है। ठीक है, प्रिजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दम एज इन्फीरियर। मतलब ये हुआ प्रिजुडाइस, जब हम किसी इंसान को, मतलब दूसरे इंसान को क्या, अपने से कमतर समझें, उसको कम समझें और ख़ुद को हम बेहतर समझें उससे, तो उसका मतलब ये हुआ कि, मतलब उसको कहते हैं क्या, प्रिजुडाइस। ठीक है ना, किसी को अपने से कम देखना। ठीक, स्टीरियोटाइप ये भी बिल्कुल प्रिजुडाइस जैसा ही है। इसमें क्या है, देखिए, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वो क्रिएट स्टेट। जब हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को क्या करते हैं, हम एक ही इमेज में जोड़ लेते हैं ना, बना लेते हैं उनको एक इमेज में, तो वो क्या होता है, हमारे पास एक स्टीरियोटाइप होता है वो। ठीक है, कहते हैं व्हेन पीपल से दैट दोस बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री आर रीजन आर रेस आर सेक्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी लेजी क्रिमिनल डंप दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जैसे कोई कंट्री है, उसके लोगों को हमने जैसे मान लिया कि वो लेजी हैं, तो हमारे लिए क्या, या फिर वो क्रिमिनल रहते हैं, तो उसमें क्या, हमारी एक, मतलब हमारे पास एक इमेज बन गया उनकी। ठीक है ना, और वो ही इमेज जो बनी है वही क्या बनाती है, हमें स्टीरियोटाइप बनाती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट अंडर प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब हैपन होती है, जब लोग क्या करते हैं, अपने प्रेजुडाइसेस पर या फिर स्टीरियोटाइप पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, मतलब उसको एक्शन में लाते हैं। ठीक है, मतलब किसी को दबाना या किसी से लड़ाई करना ये समझ करके, ये क्या है, ये छोटा है। ठीक है ना, तो मतलब उसको कमतर समझना। ठीक है ना, कमतर समझ कर उसके साथ क्या करना, उसके साथ गलत करना। ठीक है ना, तो वो जो चीज़ सारी हुई है वो किस पर हो रही है, प्रिजुडाइस पर हो रही है। ठीक है ना, जब आप प्रिजुडाइस को क्या करेंगे, एक्ट में लाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन हैपन होगा। ठीक है, दलित इज अ ग्रुप ऑफ पीपल belonging to so called lower caste is used to address themselves SC। देखिए, जो SC वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, दलित होते हैं। दलित एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो क्या लोअर कास्ट से रिलेट होते हैं। ठीक है, लोअर कास्ट से जुड़े होते हैं, और उनको एक कैटेगरी जो मिली है वो कौन सी है, SC शेड्यूल कास्ट। ठीक है, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर 1891 से 1956 में, मतलब इनकी जो बर्न हुई है 1951 में ये पैदा हुए, और 1956 में इनकी डेथ हुई है। लोअर कास्ट मेंबर थे ये, कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जब हम किसी से हेल्प मांगे, उसमें हेल्प करने की ताकत हो पर वो हेल्प ना करे, जब किसी में, जब अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, वो हेल्प हमारी कर सकता है लेकिन वो हमारी हेल्प ना करे, इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में बर्ताव किया। सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सेकुलर कंट्री कौन सी होती है, वो कंट्री जहाँ पर लोगों को, जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, जिनका डिफरेंट फेथ है, उनको फ्रीडम है प्रैक्टिस और फॉलो करने की, अप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, डोंट इन फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट मेक्स लॉस एंड एवरी वन हु लीव्स हैज़ टू फॉलो इन द कंट्री। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, लॉस बनाती है और हर वो इंसान जो कंट्री में रहता है उसको उन लॉस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द ऑनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही एक रास्ता होता है जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फंक्शन कर सकती है। गवर्नमेंट हैड द पावर टू मेक डिसीजंस एंड पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस। गवर्नमेंट के पास पावर होती है डिसीजन बनाए और फिर उन डिसीजन को क्या करे, लागू करे, उनको चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉस। कहता कि कौन है जो गवर्नमेंट को ऐसी पावर देता है कि वो डिसीजंस बना सकती है और फिर उनको लॉस में लागू करवा सकती है, मतलब लॉस एनफोर्स करवा सकती है वो। कहते हैं इन डेमोक्रेसी इट इज पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। कहता है डेमोक्रेसी में वो लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। देखिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, मोनार्क वाली। ठीक है ना, तो मोनार्क में क्या होता है, किंग या क्वीन क्या करते हैं, उनके पास पावर होती है टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, उसमें डिसीजंस बनाने की और फिर रन गवर्नमेंट को रन करने की। लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह हुआ कि जितने भी अडल्ट मतलब 18 प्लस जो हैं कंट्री में वो अलाउड हैं कि वो क्या कि वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नमेंट बाई अपार्थीट लॉस। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पहले कौन सा लॉ था पहले अपार्थीट लॉ था। अपार्थीट मीन सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में पहले सेपरेशन थी रेस के ऊपर। ठीक है ना, नेक्स्ट नेल्सन मंडेला। 1994 साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। देखिए नेल्सन मंडेला जो एक जिस तरह से हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी ने यहाँ पर इतना बड़ा रोल प्ले किया, तो उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ वहाँ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसकी आज़ादी के लिए। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका 1994 में क्या बना, आज़ाद हो गया था वो। ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी जिसमें सभी रेसिस को जिनमें सब रेसिस के लोगों को इक्वल माना गया। ठीक है, इन इंडिया द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड 5 ईयर पीरियड। इंडिया में जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। नेक्स्ट देखिए आप, कंफ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दिस लॉस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि जो भी कंफ्लिक्ट्स हों डिफरेंसेस हों उनको रिजोल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना हुआ है उसी के मुताबिक कंफ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को क्या किया जाता है, रिजोल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉपरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो कॉपरी वाटर डिस्प्यूट है वो किसके बीच में रहता है, वो किसके बीच में है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ओके, द की आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इक्वलिटी एंड जस्टिस। देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो की आइडिया है, जो मेन आइडिया है, वो है इक्वलिटी और जस्टिस। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। देखिए एक पंचायत है, पंचायत में क्या है, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में क्या होती है, देखिए ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा वो होती है जहाँ पर पंचायत के सारे अडल्ट्स मीट करते हैं। ठीक है ना, मतलब सारे वोटर्स 18 प्लस वाले। ठीक है, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो किससे शुरू होती है, पंचायत प्रेसिडेंट से। पंचायत प्रेसिडेंट कौन सा होता है, सरपंच होता है, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो मेंबर्स होते हैं उनसे, मेंबर्स कौन से होते हैं उसके, पंचायत के पंचेस होते हैं। ठीक है, जिस पर क्या करते हैं, वो प्लान बनाते हैं ऑन रिपेयरिंग जो रोड होगी उसके ऊपर, दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवेज। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, कहते हैं एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट इज स्मॉलर एरियाज। हर विलेज पंचायत जो है वो आगे डिवाइड हो जाती है किसमें, स्मॉलर एरियाज में। ठीक है, ईच वार्ड इलेक्ट्स इज रिप्रेजेंटेड नॉन एज अ पंच, और हर वार्ड से क्या होता है, एक पंच को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। द वार्ड्स पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, और वार्ड्स पंच और सरपंच क्या मिलकर के बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक, द ग्राम पंचायत हैज सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। देखिए ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है जो कि ग्राम सभा का भी होता है, लेकिन वो एक ही बंदा होता है। ठीक है ना, दिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट, और उस पर्सन को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जो रिकॉर्ड जिसके पास रहते हैं वो किसके पास रहते हैं, सेक्रेटरी के पास रहते हैं, और सेक्रेटरी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी मीटिंग को लेकर, किसकी, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग को लेकर। देखिए आप, बीपीएल, बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल, एपीएल मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत का वर्क है वो कहाँ पर अप्रूव होता है, कहाँ से अप्रूव होता है, ग्राम सभा से होते हैं। द पंचिस एंड ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। जो पंच और ग्राम पंचायत होते हैं वो आंसरेबल होते हैं किससे, किसके, ग्राम सभा में ये आंसरेबल होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। ये मेंबर होते हैं किसके, ग्राम सभा के, जो उनको क्या करती है, इलेक्ट करती है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू अदर लेवल, वन इज ब्लॉक लेवल,
विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। देखिए पंचायती राज सिस्टम में जो वो एक्सटेंड होती है दो और लेवल पर, कौन कौन से, एक ब्लॉक लेवल है जिसको, मतलब पहला कौन सा ब्लॉक लेवल जिसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, और अबव द पंचायत समिति इस द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। अबव द पंचायत समिति है वो होता है हमारे पास क्या, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। देखिए पंचायत के रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है कि हर स्टेट कंट्री की हर स्टेट में अपना अपना लॉ होगा वो, ठीक है ना। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। जो लैंड को मेजर करना और फिर उस मेजर की हुई लैंड का रिकॉर्ड को संभाल कर रखना वो काम होता है, मेन वर्क होता है किसका, पटवारी का। पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं, कुनन को भी कहते हैं, कर्मचारी भी कहते हैं, या फिर विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए नंबर ऑफ विलेजेस। एक पटवारी जो है उसके अंडर मतलब नंबर ऑफ विलेजेस आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे विलेजेस आते हैं। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। और जो मेंटेन और अपडेट करता है रिकॉर्ड विलेज का वो किसके पास होता है सारा, मतलब कौन करता है, वो पटवारी करता है। नेक्स्ट, द पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। जो पटवारी है ये करता है लैंड रेवेन्यू को क्या करता है, फार्मर से कलेक्ट करता है, एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और जो जिस एरिया में, मतलब जो जो विलेजेस होते हैं उसके अंडर में, ठीक है, उसके कंट्रोल में, वो सारे क्या करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, जो क्रॉप जो ग्रोन होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी, एक रिकॉर्ड होता है पटवारी के पास खसरा। खसरा रिकॉर्ड कौन सा होता है, ऑफ द पटवारी की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप। वो मैप के रिलेटेड जो उसमें जो खसरा रिकॉर्ड होता है पटवारी का वो क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है मैप रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, एट द डिस हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आज द रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए जो हेड होता है वो कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और उसके अंडर कौन सा होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, तहसीलदार भी कहते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हियर। तहसीलदार ऑफिस वो होता है जहाँ पर मतलब लैंड डिस्प्यूट्स को भी क्या किया जाता है, सुना जाता है, उनके ऊपर बात की जाती है, उनके ऊपर मतलब उसके मसले हल किए जाते हैं, ठीक है। एसपी जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, ठीक है ना, वो उसकी पावर होती है किसके बराबर होती है, तहसीलदार के बराबर होती है। नेक्स्ट है क्या, द चार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। देखिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो किसके अंडर में आते हैं, किसके कंट्रोल में आते हैं, एसएसपी के अंडर में आते हैं सारे वो, ठीक है ना। एसएसपी क्या हो गया, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है ये किसके रिलेटेड है, इक्वल लैंड के सबके लिए, मतलब बराबर, किसके लिए, ब्रदर हो, सिस्टर हो, सन हो, वीमेन है, सबके लिए क्या होगा, इक्वल लैंड होगी, ठीक है। बिग सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, देखिए बिग सिटीज़ में होता है जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है, लेकिन स्मॉलर सिटीज़ या टाउन्स में उसको क्या कहते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं, ओके। टैक्स क्या होता है, टैक्स इज सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट, लाइक रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स एटसेट्रा। देखिए जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, पार्क्स वगैरह मेंटेन करती है सिटीज़ में, तो ये सारा आपके पास कहाँ सा पैसा होता है, वही पैसा होता है जो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट आगे फिर क्या करती है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए अगर आप अपनी इंडिया में बात करें तो इंडिया में एक करोड़ से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज। देखिए अगर आपके म्यूनसिपल, देखिए जो शहरों में, जो सिटी में अगर मार्केट क्लोज रहेगी, ठीक है ना, तो उसके लिए उसका डिसीजन कौन लेता है, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि किस वीक के किस डे में आपको क्या करना है, मार्केट को क्या करना है, बंद रखना है, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स कौन से हो गए, रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। जब एम्प्लॉयर को क्या होती है, उनकी जरूरत होती है, ठीक है ना। अब है हमारे पास इस यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज। देखिए पहला हमारे पास कहता है पीपल इन लद्दाख कीप, लद्दाख में कौन सी चीज लोग रखते हैं, बुल, शीप, काऊ या डॉग, वो रखते हैं क्या, शीप। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिस्पेक्ट एंड सेफ गार्ड इज द मैटर ऑफ। रिस्पेक्ट और सेफ गार्ड ये किसका मैटर है, ये हमारे पास कौन सा, ये है प्रायोरिटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस अमंग द पीपल ऑन कल्चरल बेसिस इज नॉन एज। जो डिफरेंस होता है लोगों के बीच में कल्चरल बेसिस के ऊपर उसको कहते हैं क्या, कल्चरल डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच वन ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज कल्टिवेटेड इन लद्दाख, कहता कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर इनमें से लद्दाख में कल्टिवेट किया जाता है, वो है हमारे पास क्या, वूल। क्वेश्चन 5 है, द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग चीना वाला आर कॉल्ड, वो यूटेंसिल्स जो यूज़ किया जाता है चीना वाला को फ्राई करने के लिए वो कौन सा होता है, वो हमारे पास है सी पार्ट, चीना चट्टी। द फर्टाइल लैंड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स आर सिटेड फॉर ग्रोइंग। देखिए कहता है कि फर्टाइल लैंड और ह्यूमिड क्लाइमेट ये जो वो किसके लिए, इसमें से कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल है उसकी ग्रोन के लिए, ठीक है ना। ये क्रॉप है वो राइस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपोज्ड ओवर नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम को किसने कंपोज किया था, वो था हमारे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन लद्दाख फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द
विंटर, ऑटम, मानसून या समर, तो ये बहुत ही सिंपल सा, क्या है ये? समर। क्वेश्चन नंबर 9, द डैश डैश ऑफ कंट्री इज इट्स कस्टम्स, रिलीजन्स, म्यूजिक एंड इवन डांसेस। तो क्या हमारे पास ये कल्चर है, ठीक है ना? द कल्चर ऑफ ए कंट्री इज इट्स कल्चर, कंट्री का क्या होता है उसमें कस्टम, रिलीजन्स, म्यूजिक एंड इवन डांसेस, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑन केरला, इनमें चार प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो मतलब मेजर प्रोडक्ट जो है ग्रोन केरला में किया जाता है वो कौन सा है, वो हमारे पास कौन सा, स्पाइसिस मतलब मसाले, बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द पोर्ट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डैश डैश फेस्टिवल ऑफ केरला, केरला में एक फेस्टिवल होता है, ठीक है ना, और उस फेस्टिवल में एक बोट रेस को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना, बोट रेस की जाती है, ठीक है ना, और वो किस फेस्टिवल पे किया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम क्या है, वो है हमारे पास ओनम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट ट्रेवलॉग इन विच द राइटर डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, वल्लभ नेहरू, इंदिरा गांधी, मार्को पोलो या इब्न बटूता, तो हमारे पास ये डी पार्ट है, कौन सा, इब्न बटूता। नेक्स्ट देखें आप, व्हाट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है, देखें आप सारे पॉइंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर हमारे पास कौन सा, डी पार्ट, व्हेन पीपल डज नॉट हैव इक्वल रिसोर्सेज आर अपॉर्चुनिटीज। अभी हमने पहले रीड किया कि इनइक्वालिटी कब होती है, जब लोगों के पास क्या हो, इक्वल रिसोर्सेज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना हो, ठीक है। क्वेश्चन 14, इंडियन फिल्म स्ट्रगल इज एन एग्जांपल ऑफ, इंडियन फिल्म स्ट्रगल वो किसकी एग्जांपल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन ओपिनियंस है, बिलीव्स है या पावर है, वो हमारे पास ए आंसर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये फ्रेज किसने यूज किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विच द फॉलोइंग एरिया प्रोड्यूसेस द पश्मीना वॉल, कहता है कि कौन से एरिया यहाँ पर पश्मीना वॉल, मतलब इनमें से कौन से एरिया में पश्मीना वॉल, पश्मीना वॉल को क्या जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो हमारे पास कौन सा, लद्दाख। सर्वधर्म संभावा इज रिलेटेड टू, ये किस से रिलेटेड है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आप बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लद्दाख, लद्दाख क्या है, डेंस फॉरेस्ट रीजन है, कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है या फॉरेस्ट रीजन है। देखिए लद्दाख जो है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट तो है लेकिन ये कौन सा है, कोल्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे साल में ज़्यादा यहाँ पर क्या होती रहेगी, आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर आपको सर्दी ही दिखेगी, इसलिए डेजर्ट तो है लेकिन ये कौन सा है, कोल्ड है, ठीक है। कहते हैं विच लैंग्वेज डज समीर डू स्पीक, चलिए छोड़िए इसको। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज डोसोस, डोसोस क्या, डोसोस एक टाइप ऑफ क्या है, यौकाओ है, सी पार्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द रिलीजन विच रिलीज तिब्बत वाया लद्दाख, वो रिलीजन जो तिब्बत में पहुंचा हो लद्दाख से, वो कौन सा है, बुद्धिज्म, सी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, केरला एंड लद्दाख इज सिमिलर, केरला और लद्दाख जो सिमिलर हो किस में, तो यहाँ पे आप देखें तीन पार्ट्स हैं, बोथ रीजन्स आर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, बोथ रीजन्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ पश्मीना। देखिए पश्मीना के लिए सिर्फ वो आपके पास क्या है, केरला तो है नहीं है, ये मतलब बी पार्ट होगा नहीं, बोथ रीजन्स हैविंग सेम क्लाइमेट, तो सेम क्लाइमेट भी नहीं है, सी पार्ट भी नहीं होगा, इसका मतलब ए पार्ट ही इसका क्या होगा, आंसर होगा, बोथ रीजन फॉर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। क्वेश्चन 22, जलियांवाला बाग इससे सिचुएटेड, जलियांवाला बाग कहाँ पर सिचुएटेड है, वो हमारे पास अमृतसर में, ठीक है। क्वेश्चन 23, द डिस्कवरी ऑफ इंडियन बुक वॉज रिटन बाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक जो है ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो नॉन एज तिब्बत, लिटिल तिब्बत, डिजर्ट तिब्बत, कोल्ड डिजर्ट, लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है, बी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ हुआ हमारा यूनिट सेकंड, सॉरी यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी तक ले रखते हैं।